आयशाज कुक बुक में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेजेस पुलाव की रेसिपी, वो भी कुछ मेरे स्टाइल में। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने बासमती राइस ले लिए हैं और इनको पानी में भिगो दिया है। मैक्सिमम 20 मिनट हो गए, जब तक ये कुक होते तो आधा घंटा हो जाएगा। वेजेस में यहाँ पे मेरे पास कटी हुई प्याज है एक मीडियम साइज़, एक मीडियम साइज़ कटी हुई कैप्सिकम, एक हाफ जो है मैंने ले लिए कैबेज उसको काट लिया है, और यहाँ पर दो मीडियम साइज़ गाजरें उनको काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ आलू उसको भी मैंने काट लिया है। यहाँ पर अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। गरम मसाला साबुत जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पात, सौंफ, बादियान, काली इलायची, लौंगें, साबुत काले मिर्च, और यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें। इसके अलावा साबुत लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, क्रश की हुई काली मिर्च और क्रश किया हुआ सूखा धनिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर एक पैन में हाफ कप मैंने ऑयल ऐड किया है और कटी हुई प्याज सबसे पहले ऐड की है। मैं इसको ब्राउन करूँगी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पिसे और साबुत सभी स्पाइसेस, लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्ची, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनकी भुनाई हम इतनी देर करेंगे जब तक कि खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए आलू और कटी हुई गाजरें, मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई कैप्सिकम, कैबेज, साथ ही में जाएंगे इसमें चावल जो मैंने पानी में रखे थे, पानी निकाल दिया है। अब मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद अब मज़ीद हम 2 से 2.5 मिनट भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी में इसमें इतना ऐड कर रही हूँ कि जितने के हमारे चावल थे उससे डबल। मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर सकते हैं नमक का बैलेंस। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हाफ कनोर क्यूब है चिकन का, ये ऐड करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। चूल्हे का फ्लेम मीडियम ही है। विद इन 5 मिनट्स बॉयल आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। दम मैंने लगा दिया है, अब आपसे मिलते हैं 12 मिनट बाद। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन खोलते हैं और चेक करते हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं हमारे राइस की फाइनल लुक, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।